हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल और चावल के आटे से एक अच्छी सी रेसिपी जो खाने में तो स्वादिष्ट होती है और बनाना भी बहुत आसान होता है। आप इसे चाहे तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और खुद खाने के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा और इधर मैंने पानी को ज़्यादा गर्म किया, यानी कि पानी को मैंने उबाल आने तक गर्म किया है। उसके बाद मैं चावल में थोड़ा थोड़ा करके इसे डालूंगी और चम्मच से मिलाऊंगी, क्योंकि पानी अभी थोड़ा गर्म है। चम्मच से मिलाने के बाद मैं इसे बाद में हाथों से सानूंगी। देखिए, हम इसे सान लेंगे। जिस तरीके से हम चावल की रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे सान के 5 से 10 मिनट के लिए अलग कर देंगे। इधर मैंने चना दाल को रात में ही फूलने डाल दिया था। आप चाहे तो 3 से 4 घंटा भी फूलने डाल सकते हैं। हम इसे चना दाल को पीस लेंगे। इधर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इधर अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च हमने पीसी थी वो डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल के हम इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। अगर ये गीला हो जाए तो आप इसे थोड़ा देर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। मैंने भी इसे फ्रिज में ही छोड़ा था। ये देखिए, उसके बाद ये हल्का सा टाइट हो गया। इधर मैं आटे की लोई ले लूँगी, चावल के आटे की, और इसे मैं गोल गोल करके बना लूंगी। आप चाहे तो रोटी की तरह इसे बेल भी सकते हैं, बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रोटी की तरह बेला तो ये बहुत पतला हो गया, इसलिए मैं इस तरीके से इसे कर लूंगी। और इसके बीच में जो दाल हमने बनाई है वो दाल हम इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूंगी और डालने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। बंद करना बहुत आसान है, कितने लोग नहीं जानते हैं बंद करना और मोड़ना। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अब आता है। आप इसी तरीके से मोड़ लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, खास करके शाम में चाय के वक्त जब बनाते हैं हम इसे, बहुत मस्त लगता है खाने में। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे के सारे बना लिए हैं। ये सिर्फ 2 आदमी के लिए मैंने बनाए हैं। अब इधर देखिए, मैंने एक हांडी में पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए और इसमें मैं एक छन्नी डाल दूंगी। छन्नी डाल के सारे जो हमारे चावल के आटे के जो बने हैं हम इसमें इसे डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे कि इसे 20 मिनट के लिए ढक के हम छोड़ देंगे। इस बीच में इसे हम पूरा स्टीम करेंगे, जिस तरीके से मोमोज को स्टीम करते हैं। ये देखिए, हमने इसे स्टीम कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, बाहर निकाल लिया है हमने इसे और हमने थोड़ा देर इसे ठंडा भी किया। ये कट करने के बाद देखिए, ये अंदर बाहर बहुत ही अच्छी तरीके से पका है। खाने में तो ये स्वादिष्ट होता है। आप चाहे तो चटनी और हरी धनिया के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट भी करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने।